हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जैस्मिन। दोस्तों, मैंने बनाना शुरू कर दिया आइज़ की वीडियोस, और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ मतलब आईब्रो फिल। मैंने बना लिया, अच्छी शेप दे दिया आईब्रो की, तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया आईब्रो बनाना फिल। और आप देख सकते हैं बहुत ही शेप्स मैंने बनाई है। तो आप काजल या शेड्स में पैलेट में शेड्स होते हैं उससे आप बना सकते हैं। मैंने उससे ही बनाया है, मैंने काजल से नहीं लिया था। तो दोनों मैंने एक जैसी ही आईब्रोज़ बनाई थी। और इस पर क्या है कि हम तरह तरह की आईब्रोज़ बना सकते हैं, तरह तरह की मतलब गोल में भी दे सकते हैं, ट्राइंगल में भी, एकदम सीधी सीधी होती हैं, स्क्वायर में, तो जैसे भी मतलब किसी भी तरह की आईब्रोज बना के हम दे सकते हैं। और उसके बाद करेंगे हम वीडियो मतलब आईज़ बनाना। तो पहले कर लेते हैं आईब्रोज को पूरा मतलब बना लेते हैं पूरा। तो आप देखिए, और उसके बाद मैंने थोड़ी शेप देने के लिए मैंने लगाया था फाउंडेशन या कंसीलर, आप लगा सकते हैं। मैंने फाउंडेशन लगाया था, फाउंडेशन दोनों तरफ लगा दिया था मैंने, और अच्छे से शेप दे दी थी। तो अब मैंने बनाना शुरू कर दिया अपनी आईज़ को। और सबसे पहले मैंने दिया है थोड़ा रेड कलर, हल्का लाइट जो हल्का रेड जो होता है वो मैंने पहले शेप के लिए दिया है। तो दोनों तरफ आईज़ में मैं ये लगा लूँगी। और क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियोस मैंने बनाकर आपको दिखाया है ताकि आप बोर ना हो, जल्दी देखते रहें और जल्दी मतलब वीडियोस पूरी हो भी जाए, ताकि मतलब लंबी वीडियो ना हो, छोटी वीडियो हो। और अब मैं दूंगी इसमें से पैलेट में से पीछे कॉर्नर साइड में मैं ब्लैक कलर शेड्स, आप देख सकते हैं मैं ये वाला लगा रही हूँ। तो पीछे शेप दे देंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि हमें आईज़ बनानी थोड़ी लंबी, तो हमें थोड़ा मतलब इसे शेप को थोड़ा कोना बनाना पड़ेगा इस कोने पर। और क्योंकि पर्पल कलर दिया था मैंने, तो पर्पल और ब्लैक थोड़े डार्क कलर ही बन जाता है, तो इसलिए फिर अगर आप चाहें तो ब्लैक के साथ में कोई भी कलर दे सकते हैं, गोल्डन दे सकते हैं आप, रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, जैसे भी आपका मन चाहे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और क्योंकि मैंने दिया था पर्पल, तो शिमर मैंने ऊपर से लगाया था पहले, मतलब पहले मैंने दिया था हल्का लाइट पर्पल दिया था, उससे पहले मैंने लगा लिया था कंसीलर, क्योंकि जो ब्लैक कलर था वो पूरा फैल चुका था, इसलिए मैंने कंसीलर लगा के फिर मैं ऊपर से लगाऊंगी पर्पल कलर। और क्योंकि पर्पल डार्क था तो ब्लू बन गया, ब्लू पर्पल, मतलब पहले मैंने पर्पल ही लगाया था तो फिर मैंने ब्लू लगा दिया था, ब्लू थोड़ा मतलब पर्पल थोड़ा वैसा लग रहा था, असल ज़्यादा खास नहीं लग रहा था, फिर मैंने ब्लू कलर का पैलेट में से ब्लू कलर लिया और फिर मैंने उसको अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई किया। और अब मैं लगाऊंगी उसके ऊपर मैं से ग्लेटर। तो आईज़ बनने के बाद मैं लग रही थी बहुत अच्छी, आप देखना पूरी वीडियोज़ देख कर ही जाना, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने वीडियोज़ में क्या क्या लगाया है, क्या क्या नहीं लगाया, लाइनर किस तरीके से लगाया। और क्योंकि लाइनर थोड़ा मैंने मोटा ही लगाया, तो अभी आप आगे आप वीडियोज़ में देखना। तो दोस्तों, जो ग्लिटर मैंने लगा रही हूँ, तो मैं ब्रश से लगा रही हूँ, ब्रश से इतना खास नहीं लगता, लाइनर उंगली से या फिंगर की मदद से ही अच्छे से लगता है, फैलता है, तो इसलिए आप अपनी फिंगर से ही लगाएं आईज़ पर, तभी अच्छा लगेगा, ब्रश से नहीं लगेगा अच्छा। तो इसलिए मैंने ब्रश भी यूज़ किया था और फिंगर भी यूज़ की थी। तो क्योंकि अगर आप ग्लू लगाएंगे पहले तो वो चिपक जाएगा, और मैंने ग्लू लगाया नहीं था, तो इसलिए मेरे से इधर उधर फैल भी गया था ग्लिटर।
तो दोस्तों मैंने आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाया था, अगर प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ऐसे ही बिना प्रोडक्ट दिखाए आपको वीडियोस बनाई है। अगर आप वीडियोस में मुझे बोलेंगे कि प्रोडक्ट वगैरह आपको दिखाना है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, तो मैं फिर वीडियोस प्रोडक्ट दिखा कर आपको वीडियोस बनाते दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे मैंने लिया था गोल्डन जो होता है ना, गोल्डन ग्लिटर गीला वाला, वो मैंने यहाँ लगाया था। पूरी आइस को मतलब कट क्रीज, अगर आप चाहें तो कट क्रीज भी दे सकते हैं इसी में, लेकिन मैंने थोड़ा डिज़ाइन में ग्लिटर आप देख सकते हैं गोल्डन में ले लेते हैं। अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट भी लगा सकते हैं। और अब जो कलर ऊपर दिए थे वही हम नीचे दे देंगे, ड्रॉप लाइन के नीचे भी दे दूँगी मैं थोड़ा सा। और अगर आप चाहें तो इसमें वाइट कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक लगाया था। तो दोस्तों मेरी पूरी वीडियोस देखकर बताना आप मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि अभी तक मैं अपनी आंखों पर ही यूज़ कर रही थी। अभी मैंने फिर ये मैंने पैलेट मंगाई तो अब मैंने पहली बार इस पैलेट में यूज़ किया, तो आप मुझे बताना कि इसमें वीडियोस कैसी बनी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लोअर लैशेस के मतलब मैंने लाइनर से बनाए। अगर आप चाहें तो, वैसे तो हमारी आईज़ पर मस्कारा ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि पैलेट में लोअर लैशेस आती नहीं है, तो इसलिए मैंने लाइनर से बना दिए। और दोस्तों वीडियो होने वाली है पूरी, हो चुकी है कंप्लीट, तो आप मेरी वीडियोस को बताना कैसी लगी है, कैसी बनी है मेरी वीडियो। तो आगे हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों बस यही थी मेरी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। अभी के लिए दीजिएगा दोस्तों फिर सभी को मेरा बाय बाय दोस्तों, और वीडियो ज़रूर बताना देखने के बाद कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी, जैसी भी लगी आप मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। तो बाय दोस्तों।